कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम बता दे जो सोलन में भाजपा सरकार के द्वारा शुरू कर पूरा किया गया हो। यदि कोई ऐसा काम है और कोई व्यक्ति बता देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, ये कहना है सोलन के पूर्व मंत्री और विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का। शांडिल ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली में सिर्फ वायदे करना और घोषणा करना है। शांडिल ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले सेवाकाल में सोलन विधानसभा क्षेत्र में 463 करोड़ रुपए से क्षेत्र में काम करवाए थे। उन्होंने कहा कि अभी भी विकास कार्य सोलन विधानसभा क्षेत्र में चले हुए हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में करवाए गए कामों का उद्घाटन करने का काम सिर्फ भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस के कार्यों का उद्घाटन करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे उन कामों की तरफ भी ध्यान दें जो कार्य अभी अधूरे लटके हुए हैं। कार्यप्रणाली में ही कार्य ही हैं जो सबसे प्रधान हैं, मैं सच आपको बताऊं। और इन लोगों की प्रणाली में अनाउंसमेंट्स और बहुत बड़े बड़े वादे करना शामिल है, ये तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ उस बात को। हम तो इसलिए काम में विश्वास करते हैं कि जितनी बार भी हम इस चीज़ को कहें उतनी बार कम है कि पिछले सेवाकाल में मैंने इन्हीं कार्यों के लिए 463 करोड़ की धनराशि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित की एज ए विधायक और एज ए मंत्री होने के नाते, और अब भी हम इसमें कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी हमारे पास दिया गया धन है वो भी हर वार्ड में, हर पंचायत में, पूरे विधानसभा क्षेत्र के, पूरे निर्वाचन क्षेत्र की हर जगह पे देखा जा सकता है। और मेरा मानना है कि ये कहना कि ये कार्य में विश्वास नहीं करते और वही सब कार्य करते हैं, ये ज़्यादातर गलत है। इनफैक्ट द अदर वे राउंड है स्टोरी। तो हमारी किए गए कार्यों का और किए गए जो प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे वस्त के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय के काम थे, उन्हीं के तो उद्घाटन हो रहे हैं। आपके सामने ही है जो अभी चंबा घाट में हुआ, उससे पहले हमारे कंडा घाट में कॉलेज का उद्घाटन जो हमारे वक्त में पूरा बना हुआ। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप ही उद्घाटन करो, परंतु कम से कम उन कामों तो करो जो लटके हुए हैं। मैंने देखा कोई ऐसी बयानबाजी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की हो जो अपनी सीमाओं से बाहर की हो। और मैं तो कहता हूँ झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। अगर मैं झूठे आंकड़े दे दूंगा या झूठी घोषणा कर दूंगा तो लोग एकदम कह देंगे। ट्रांसपोर्ट उसका नगर का शिलान्यास हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जो शालीनता के और बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं, उन्होंने किया है, परंतु ना जाने किन कारणों से उस एक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं 4 या 5 किलोमीटर तब तक का इलाका भी कोई भी देख लें, इसमें अगर कोई काम इनका हुआ हो और कोई मुझे बता देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। भाई ये काम देखो आरम्भ किया है, ये हमारे इस सरकार ने आरम्भ किया था, ये यहाँ तक पहुँच गया है।